Hello everyone, I am Alisha and I am your storyteller of the day. So we were reading stories from 101 Panchatantra stories. अब तक हमने total 3 stories पढ़ी हैं. आज हम पढ़ेंगे 4th stories. और आपको तो याद होगा कि हम ये stories क्यों पढ़ रहे हैं. मैं आपको फिर से बताती हूँ, हम ये stories पढ़ रहे हैं ताकि हम इन stories को read कर सकें, understand कर सकें और अपनी life में implement कर सकें. So फॉर दिस हम इन स्टोरीज़ को लिख भी सकते हैं अच्छे से समझने के लिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो आज हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो है 4th स्टोरी एंड दैट इज़ द फार्मर्स वाइफ एंड द मंगूस. वन ब्यूटीफुल डे अ वूमेन लेफ्ट हर पेट मंगूस टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड वाइल शी वेंट टू द मार्केट. ये एक मदर है, ये उसका बेबी. सो हम घर में जैसे पेट्स पालते हैं, आपके घर में भी पेट्स होंगे लाइक डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा. ऐसे ही इन्होंने एक पेट पाला जिसका नाम है, जिसे हम बोलते हैं मंगूस. मंगूस मीन्स नेवला. सो शी टोल्ड द मंगूस टू टेक केयर ऑफ द बेबी बट वाइल शी वॉज गोन अ स्नेक केम इन टू द हाउस. जब उसकी मदर बाहर मार्केट में गई थी तो वो मंगूस मीन्स नेवले को बोलकर गई कि तुम मेरी बेबी की केयर करना, मैं मार्केट जा रही हूँ. पर जब वो गई पीछे से एक स्नेक आ गया. और हम सभी को पता है कि स्नेक और मंगूस इन दोनों की आपस में फाइट है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते. सो बट वाइल शी वॉज गोन अ स्नेक केम इन टू द हाउस द मंगूस किल्ड द स्नेक हु वॉज अबाउट टू बाइट द बेबी. जैसे ही घर में मंगूस ने देखा कि एक स्नेक आया है, उसने उस स्नेक को बाइट कर लिया क्योंकि वो स्नेक, उसने सोचा कि ये स्नेक उस बेबी को बाइट कर लेगा. व्हेन द मदर केम होम, जब उसकी मदर घर आई, शी सो उसने देखा ब्लड इन मंगूस माउथ, कि मंगूस की माउथ में ब्लड लगा हुआ है. शी थॉट इट हैड हर्ट द बेबी, उसने सोचा कि मंगूस ने मेरे बेबी को हर्ट किया है, मीन्स चोट पहुंचाई है. सो शी चेज हिम अवे, उसने उसे दूर कर दिया. बट वेन शी सो दैट द बेबी वॉज फाइन एंड अ डेड स्नेक वॉज लाइंग नियर बाय शी फेल्ट सैड, उसने जब देखा कि मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है पर एक स्नेक साइड में मरा हुआ है, तो उसे बहुत ही बुरा लगा क्योंकि उसने पहले ये सोचा था कि मंगूस ने उसके बेबी को हर्ट किया है, पर उसने बेबी को हर्ट नहीं किया था, उसने स्नेक को हर्ट किया था. She felt sad. उसे बहुत बुरा लगा ये सोचकर. How foolish was I? मैं कितनी बेवकूफ हूँ. I judged the pet too quickly. मैंने अपने मंगूस जो उसका पेट था उसे कितनी जल्दी जज कर लिया कि वो कैसा होगा. She cried. वो रोने लगी. I was of no use now. अब ये मेरे किसी भी काम का नहीं है ये सोचना. But it was of no use now. उसने सोचा कि अब तो ये सोचना किसी भी काम का नहीं है, ये बेकार है अब सोचना, क्योंकि उसने उस मंगूस को पहले ही जज कर लिया था, उसके लिए एक धारणा बना ली थी कि इसी ने ही मेरे बच्चे को मारा होगा. तो हमें पहले किसी भी चीज़ के लिए धारणा नहीं बनानी चाहिए, हमें उसे पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तभी उसके बारे में कोई धारणा बनानी चाहिए. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी मस्ट नॉट जज एनीवन क्विकली. हमें किसी भी को भी इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए, किसी के भी बारे में इतनी जल्दी कोई भी धारणा नहीं बनानी चाहिए, हमें उस चीज़ को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, तभी कोई धारणा बनानी चाहिए. सो आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस स्टोरी. आई एम अलीशा साइनिंग आउट फ्रॉम 101 पंचतंत्र स्टोरी. टिल देन बाय, टेक केयर.